नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि खरकाटे और मेरा यूट्यूब चैनल मैकेनिक ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कमर्सु PC210 का सीविंग गियर डिवाइस कैसा ओपन करते हैं। दोस्तों, इस सीविंग गियर डिवाइस में साउंड आ रहा था और चलिए हमने सीविंग डिवाइस पूरा असेंबल बाहर कर लिया है। अभी हम इस वीडियो में सीविंग डिवाइस को ओपन करके दिखाएंगे और क्या प्रॉब्लम निकलता है हम आपको बताएंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बताया था टाटा 2518 BS3 का क्राउन पिनियन कैसा सेट करते हैं और कैसा फिटिंग करते हैं। उस वीडियो को अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, या तो आई बटन को क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले। इससे क्या होगा दोस्तों, मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल जाया करेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। तो देख सकते हैं दोस्तों, अभी अभी हमने कहा था कमर्सु PC210 का सेविंग डिवाइस असेंबल हमने बाहर निकाल लिया है और चलिए हम इसे ओपन करना स्टार्ट करते हैं और इसे ओपन करके हम देखते हैं कि इसमें किस वजह से साउंड आ रहा था। हम सारा कुछ इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, सेविंग डिवाइस को ओपन करने के लिए हमें सबसे पहले जो राउंड में देख रहे होंगे इस सारे बोल्ट को ओपन करना है और ओपन करने के बाद में सेविंग मोटर को पकड़ के ऊपर निकाल लेना है। तो दोस्तों, थोड़ा सा हमने वीडियो को स्किप कर दिया था इस बोल्ट को खोलने के लिए और उसमें थोड़ा सा मिसिंग हो गया, तो चलिए हम आगे बताते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमने सेविंग डिवाइस को जो बोल्ट को बोला था, हमने उस बोल्ट को ओपन करके पूरा का पूरा ये असेंबल बाहर निकाल लिया था और इसके ऊपर एक सनगियर लगता है और उसके ऊपर एक प्लानेटरी असेंबल लगता है जो छोटा साइज का होता है, जो फिलहाल हम अभी आपको दिखाएंगे। देख सकते हैं, ये राउंड का बोल्ट खोलने के बाद में निकला है और ये है छोटा प्लानेटरी कैरियर असेंबली और वो रहा सनगियर। देख सकते हैं, और सनगियर पूरा का पूरा डैमेज निकला है। और चलिए हम आगे और खोलते हैं और क्या प्रॉब्लम निकलता है हम वो भी बताएंगे। दोस्तों, देख सकते हैं, अब हमें बड़ा प्लानेटरी असेंबली को बाहर निकालना है। तो बड़ा प्लानेटरी असेंबल को बाहर निकालने के लिए एक थ्रस्ट वाशर है, उसके ऊपर एक बोल्ट लगा होता है, उस बोल्ट को ओपन करना है और ओपन करने के बाद में आपको बड़ा प्लानेटरी असेंबली को इस प्रकार से बाहर निकाल लेना है। तो चलिए, प्लानेटरी असेंबली को हम ट्रे में रख देते हैं और चलिए देखते हैं। इस प्लानेटरी असेंबली का ही टीथ डैमेज हो चुका है। देख सकते हैं, सारे गियर के टीथ डैमेज हो चुके हैं जो कि उस सनगियर के बीच में चलता है, जो कि हमने अभी फिलहाल पहले बताया था। ठीक है, अब देख सकते हैं, हमने ऑयल को नहीं निकाला था और जो असेंबल सिंग मोटर निकल गया था, जिसमें कि साथ में रिंग गियर फंसा हुआ है स्विंग मोटर में। तो चलिए हम थोड़ा सा इसको चोट मारकर रिंग गियर को बाहर निकाल लेते हैं और इसको भी ट्रे में रख लेते हैं। रिंग गियर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिंग गियर बच चुका है और थोड़ा सा रिंग गियर इसमें टाइट रहता है क्योंकि स्विंग मोटर में कॉलर बना हुआ रहता है। दोस्तों, स्विंग मोटर का हमने ऑलरेडी एक ओपनिंग और फिटिंग का वीडियो बनाया है, जो कि अगर आपको देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जो कि हम दोनों ही वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा ऑयल को बाहर गिरा लेते हैं और हमें अब डिवाइस को घुमाना होगा। घुमाने के बाद में दोस्तों, देख सकते हैं, नीचे में सारे बोल्ट लगे हुए हैं, इस बोल्ट को खोलना है और खोलने के बाद में हम आगे की प्रोसेस बताएंगे। ठीक है, तो दोस्तों, हमने थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर दिया था, ये सारे बोल्ट खोलने में काफ़ी देर लग रहा था। तो चलिए, हमने सारे बोल्ट को ओपन कर लिया है और ओपन करने के बाद में हमें कुछ ऐसे चीज़ पे रखना है जो कि हमें इस सॉफ्ट के ऊपर चोट मारना है और सॉफ्ट असेंबल पूरा बाहर आ जाए। तो देख सकते हैं, हमने एक डिस्क को लिया है और इस डिस्क के स्विंग डिवाइस को रखते हैं और रखने के बाद में इसको सेंटर में रख देना है और उसके बाद में हम इस साफ्ट को चोट मारकर बाहर निकालेंगे। इस साफ्ट दरअसल दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइट रहता है। इस साफ्ट को निकालने के लिए सबसे पहले आपको साफ्ट के सेंटर में आपको कोई हैमर या कोई ऐसी चीज़ रखना है ताकि वो मारते समय उछले ना, और इसके ऊपर ऐसी 3-4 हैमर तगड़ी मारना है ताकि वह साफ्ट ऑटोमेटिकली बाहर नीचे गिर जाए। तो देख सकते हैं, हमने 2-3 चोट तो मार लिया है और साफ्ट काफ़ी सारा नीचे पहुंच चुका है
और एक दो चोट में शायद वो बाहर निकल भी जाए। ठीक है, इस शाफ्ट को निकालने के लिए दोस्तों बहुत ज़ोर से चोट मारनी होती है, जैसे कि देख सकते हैं, और शाफ्ट निकल कर बाहर आ चुका है। तो चलिए हम डिवाइस को बाहर कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि शाफ्ट की बेयरिंग में क्या प्रॉब्लम है, कोई बेयरिंग वेरिंग डैमेज तो नहीं है। तो देख सकते हैं दोस्तों एक बेयरिंग तो ठीक ठाक दिख रहा है, बट चलिए हम दूसरा बेयरिंग को भी देख लेते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो देख सकते हैं दोस्तों इस बेयरिंग में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देख सकते हैं अभी सारा सेविंग डिवाइस गियर असेंबल था, जो कि हमने इस वीडियो में रिमूव करके दिखाया। अब चलिए हम आपको प्रॉब्लम दिखाते हैं कि किस वजह से ये साउंड आ रहा था। ठीक है, एक तो है प्लानेटरी कैरियर असेंबली, जो कि इसे चेंज करना होगा, और ये है दूसरा सन गियर, और इसके बाद में तीसरा है ये सरक्लिप, और चौथा है एक थ्रस्ट वॉशर। तो ये चार चीज़ हमें इस स्विंग डिवाइस में चेंज करना होगा, जो कि देख सकते हैं ये सन गियर किस टाइप से डैमेज हुआ है, और इस सन गियर डैमेज होने की वजह से प्लानेटरी कैरियर असेंबली के गियर को डैमेज कर दिया है। तो दोस्तों स्विंग डिवाइस गियर असेंबल का भी हम वीडियो बनाएंगे और बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक करना, शेयर। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय।